हेलो लवली व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने बनाया है पुलाव, मटर पुलाव, आप इसको बोल सकते हो पनीर पुलाव बोल सकते हो, मींस वेजिटेबल पुलाव मैंने बनाया है। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया घी, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल लिया और जीरा को भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें खड़े गरम मसाले डाल लिए, जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दियों के टाइम में यदि आप ये मसाले डाल लेते हो तो आपको चावल जैसे ठंडी तासीर वाले होते हैं तो फिर आपको मतलब ठंड नहीं लगेगी, ये बात है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी दो तीन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा खाना अच्छा लगता है पुलाव। उसके बाद मेरे पास गाजर और मटर थी तो मैंने वो दोनों भी डाल दी काट पीट के। आपके पास और कोई सब्ज़ी डालने का मन है चावल में तो आप वो भी डाल सकते हो। चावल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कई तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो सब्जियां थोड़ा सा भून जाएं इसके लिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढक भी दिया था। मेरे पास पनीर भी फ्रिज में पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें पनीर भी डाल दिया, ठीक है। मैंने अलग से पनीर को फ्राई नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था और मतलब मुझे बहुत तेल में फ्राई करके पनीर नहीं डालना था क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाता। इसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी चावल डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया। चावल मैंने कम ही डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा सब्जियों के साथ खाना था, ठीक है। ये सब डाल के थोड़ी देर चावल को भी आप फ्राई करना, क्योंकि उसके बाद ना मिलता नहीं है चावल, खिला खिला बनेगा। इसके बाद आप पानी डाल देना, यदि आपका एक कटोरी चावल है तो आप 2 कटोरी पानी डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप एक ही सीटी लगाना, आप देख लेना अपने कुकर के हिसाब से। बाकी मैंने एक ही सीटी लगाई, एक ही सीटी में मेरा चावल बहुत अच्छा पक गया था, ठीक है। तो ये देखिए इतना अच्छा चावल पका, एकदम खिला खिला। तो एंजॉय कीजिए, इसको आप कोई भी ओकेजन पे बना सकते हो, लंच में ले जा सकते हो, टिफ़िन में बना सकते, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो। इसके साथ आप सब्जी बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो।